हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाएं फ्रेंड, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड नया वीडियो बनाने के लिए और मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों तक पहुँच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अपने जीमेल पर आने वाले अनचाहे नोटिफिकेशन और मैसेज को कैसे बंद करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको इसको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के मेनू में, या कंप्यूटर है तो उसके मेनू में जाना है फ्रेंड्स, और आपको खोल लेना है क्रोम ब्राउज़र। तो फ्रेंड, अब जैसे ही क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से आपको फ्रेंड इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके। यहाँ पे मैं इसको फ्रेंड डेस्कटॉप साइट पे लगा लूँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे लगा लिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मुझे प्रोफाइल पिक्चर का। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गूगल अकाउंट का। तो फ्रेंड, मैं गूगल अकाउंट पर इधर से क्लिक कर लूँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने माई अकाउंट गूगल अकाउंट का खोल लिया है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन है, आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से देखेंगे कि आपको प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। फ्रेंड, गूगल अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे तो ये फ्रेंड जो ऑप्शन है मेरे, ये सारे के सारे खुल के इधर सामने आ जाएंगे। फ्रेंड, आप इसको आपको यहाँ से जाके कर लेना है डेस्कटॉप साइट। फ्रेंड, जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का। तो फ्रेंड, आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना है। फ्रेंड, जैसे ही आप इसको सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का फ्रेंड इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड, अब आपको इसको करना क्या है कि आप इधर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन इनटू अदर साइट्स। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड, आप जैसे ही इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस फ्रेंड सामने आ जाएगा। ऐप्स विथ एक्सेस टू योर अकाउंट, आपके जो ऐप्स हैं किस किस पे आपने जीमेल आईडी से अपना इसको लॉगिन कर रखा है, किस किस चीज़ की आपको नोटिफिकेशन आती है। तो फ्रेंड, आप इस पे जैसे मेरा चैनल प्रमोटर है इस पे आ गए तो मैंने इसको खोल लिया। फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रिमूव एक्सेस का। तो फ्रेंड, आप यहाँ से रिमूव एक्सेस कर लेंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप इसको यहाँ से रिमूव एक्सेस कर लेंगे, इधर ओके कर देंगे फ्रेंड, तो आपको इसके जो चीज़ इस चीज़ के जो फ्रेंड नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आने फ्रेंड इस चीज़ के बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसके जो नोटिफिकेशन है, चाहे नोटिफिकेशन या मैसेज या मेल है फ्रेंड, तो आप इस तरीके से इसको रोक सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद अगले ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ से आप सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से बैक हो जाएंगे। तो बैक के बाद फ्रेंड एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड मैनेजर का। तो फ्रेंड, आपको पासवर्ड मैनेजर पर सेकंड वाले पर क्लिक कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पासवर्ड किस किस चीज़ पर कौन कौन जगह फ्रेंड सेट कर रखे हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ, जैसा कि मेरा यहाँ 20 साइट्स हैं फ्रेंड, जो ऐसे कि 20 साइट्स एंड ऐप्स हैं जिस पे मैंने अपना पासवर्ड फ्रेंड लगा के रखा है। तो इधर आ गया है। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको क्या करना है, इधर से अपना पासवर्ड डाल के फ्रेंड इसको लॉगिन हो जाना है। तो मैं इधर से फ्रेंड अपना पासवर्ड डाल लूँगा और फ्रेंड इसमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लूँगा। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा पासवर्ड जो है फ्रेंड वो गलत बता रहा है, तो मैं यहाँ दोबारा से डाल लूँगा। पासवर्ड मैंने डाल लिया है फ्रेंड, नेक्स्ट पर क्लिक कर लूँगा। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि मेरा ये जीमेल अकाउंट जो है फ्रेंड वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। और आपके कहाँ कहाँ पे आपने फ्रेंड पासवर्ड लगा के रखा है, कहाँ कहाँ पे आपने डाल के रखा है, वो यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट फ्रेंड यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे snappy.com है फ्रेंड, यह यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। तो फ्रेंड, इसके जो नोटिफिकेशन आने हैं फ्रेंड वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ इस तरीके से इसको फ्रेंड डिलीट कर लूँगा। जैसा कि आप फ्रेंड देख रहे हैं, मैं यहाँ इधर से इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड यहाँ पर जहाँ पर मैंने पासवर्ड फंसा के रखा था उसको मैंने फ्रेंड क्लिक कर लिया। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इधर भी मेरी 20 साइट्स एंड ऐप्स आ रहे हैं जहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ से इस तरीके से इसको डिलीट कर लूँगा। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से डिलीट कर लूँगा तो फ्रेंड मेरे जो अनचाहे नोटिफिकेशन और मैसेज वगैरह हैं फ्रेंड्स, तो वो इधर से आना बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको इधर से रिमूव भी कर सकते हैं और आप इसको इधर से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं इधर से डिलीट कर लूँगा तो मेरे जो अनचाहे नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि मेरा यहाँ पे काफ़ी जगह मुझे दिख रहा है कि मेरी कुछ साइट्स वगैरह हैं, तो मैं इधर से फ्रेंड उनको सबको डिलीट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है अपने अनचाहे जीमेल पे अनचाहे मैसेज और नोटिफिकेशन को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो।
प्लीज़ लाइक करें, नहीं शेयर कर करें, रहा है सब्सक्राइब करें। लेकिन और थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।